सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे लुक्स। हम कैसे दिखते हैं और खुद को कैसा प्रेजेंट करते हैं, और साथ ही अगर आपको फिजिकली अट्रैक्टिव दिखने के पीछे की साइकोलॉजी पता है तो आप भी बिना कोई महंगे प्रोडक्ट्स के, बिना महंगे कपड़ों और बिना कोई पैसे खर्च किए भी अपने लुक्स को 10 गुना ज्यादा बढ़ा के और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो। तो आइए जानते हैं वो 12 तरीके जो बिना आपकी जेब खाली करवाए आपके लुक्स को 10 गुना तक बढ़ा देंगे। बाइट एंड सक योर चीक्स इनसाइड स्लाइटली। ये जो हैक हम आपको बता रहे हैं ये दुनिया के ऑलमोस्ट सभी गुड लुकिंग सेलिब्रिटीज, एक्टर्स और मॉडल्स यूज करते हैं अपने फेस को और अट्रैक्टिव और शार्प दिखाने के लिए, क्योंकि जब बात किसी के भी लुक्स और अट्रैक्टिवनेस की आती है तो लोगों का ध्यान सबसे पहले हमारे फेस पे जाता है। एक अट्रैक्टिव फेस को उसके फेशियल स्ट्रक्चर से जज करा जाता है। आपकी जॉ लाइन और चीक बोन्स आपके फेस के अट्रैक्टिवनेस का सेंटर होती है। कुछ लोगों की ये नेचुरली उभर के बहुत अच्छे से दिख के आती है, पर कुछ लोगों की नहीं, या फिर ज्यादा बॉडी फैट होने की वजह से ये दिखाई ही नहीं देती। पर अपने चीक्स को हल्का सा अंदर करके बाइट और सक करके आप अपने फेस पे एक हॉलो चीक जैसा लुक दिखा सकते हो, कुछ इस तरह से करके। इससे आपकी चीक बोन्स और अच्छे से दिख के आती है और आपका फेस अट्रैक्टिव दिखने लगता है। म्यूइंग। फेशियल स्ट्रक्चर की बात हो रही हो और म्यूइंग की बात ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि म्यूइंग एक वर्किंग टेक्निक है जिसे एक ब्रिटिश ऑर्थोडोंटिस्ट माइक म्यू ने इन्वेंट करा है। जो लोग अपनी टंग यानी जीप को हमेशा अपने मुंह के निचले हिस्से में रेस्ट करके रखते हैं और मुंह खुला करके मुंह से सांस लेते हैं, उनकी जॉ लाइन और नीचे खिसकने लगती है और लिप्स बाहर को आने लगते हैं, जो बहुत ही वीक और अनअट्रैक्टिव फेस को डेवलप करता है। म्यूइंग टेक्निक में आप अपनी टंग के पोस्चर को फिक्स करते हो, जहां आपको हमेशा अपनी टंग यानी जीप को अपने मुंह के ऊपर के हिस्से से टच करके रखना होता है, कुछ इस तरह। इससे आप अपने फेस के नीचे के हिस्से को ऊपर की ओर ले जाते हो, जो आपकी जॉ लाइन को और विजिबल बनाता है। आपकी आई शेप अच्छी होती है और आपकी चीक बोन्स दिखने लगती हैं, जो हमारे फेस को परफेक्टली अट्रैक्टिव बनाता है। वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन्स। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की स्किन में एक येलोइश टिंट देखने को मिलता है, ये होती है वार्म स्किन टोन्स, कुछ इस तरह। वहीं कूल स्किन टोन्स में लाइट ब्लूइश टिंट होता है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ बेटर ड्रेसिंग सेंस का सीक्रेट ये है कि आपको हमेशा अपनी स्किन टोन्स के हिसाब से ही कपड़ों के कलर पहनने चाहिए, ऐसे कलर्स जो आपकी स्किन को सूट करें। अगर आप वार्म स्किन टोन वाले हो तो आपको न्यूट्रल कलर्स के क्लोथ्स पहनने चाहिए, जो बहुत ज्यादा ब्राइट न हो बल्कि सटल और सिंपल से हो। और अगर आप कूल स्किन टोन के हो तो आप डिफरेंट कलर्स तो पहन सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ही ज्यादा लाइट और हल्के कलर्स के क्लोथ्स ना पहने। इसे दोस्तों आप और भी रिसर्च करके समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्पेशल ओकेजन में जा रहे हो और आपको कोई कलर समझ ही नहीं आ रहा, तो आप ब्लैक कलर का कुछ सिंपल सा पहन सकते हैं, क्योंकि ब्लैक एक ऐसा कलर है जो हर स्किन टोन पे सूट करता है और अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा देता है। साइकोलॉजी में भी ब्लैक कलर लुक्स एनहांसर की तरह देखा जाता है। फिक्स योर बॉडी पोस्चर। आप कितना भी अच्छा लुक क्यों ना रख लो, कितने ही अच्छे कपड़े क्यों ना पहन लो, अगर आपका बॉडी पोस्चर ही सही और कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो कुछ भी करने का कुछ फायदा नहीं। एक कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर साइन होता है गुड हेल्थ, पावर, कॉन्फिडेंस और सक्सेस का। जिनका पोस्चर अच्छा होता है वो इन तीनों ट्रेट्स को शो करते हैं। अगर एक वीक पर्सन और एक स्ट्रांग पर्सन को सिर्फ देख के ही उनके बीच का फर्क बताना हो तो एक वीक पर्सन हमेशा झुक के खड़ा होगा, उसके शोल्डर्स आगे की तरफ झुके होंगे और उसकी चेस्ट छुपी हुई होगी और उसकी गर्दन भी नीचे की तरफ झुकी होगी। वहीं एक स्ट्रांग मेल की गर्दन ऊपर, चेस्ट बाहर और शोल्डर्स पीछे की तरफ होंगे। अपने पोस्चर को फिक्स करना आपको इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना देता है। चाहे तो आप भी अपने शोल्डर्स को पीछे की ओर ले जाइए और अपनी चेस्ट को पंप करके सामने की ओर करके देखिए, आपको इंस्टेंटली अंदर से ही कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा और सिर्फ इतना सा करके ही आप कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव दिखने लगोगे। क्रिएट इल्यूजन ऑफ ए सिमेट्रिकल फेस। हम ह्यूमंस को हर चीज में एक सिमेट्री पसंद होती है। अगर आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेम दिखते हैं तो आपका फेस सिमेट्रिकल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपका फेस एसिमेट्रिकल है तो कुछ हैक्स का यूज करके आप अपने फेस को ज्यादा सिमेट्रिकल और अट्रैक्टिव दिखा सकते हो, जैसे कि अपनी बियर्ड को एंगुलर शेप्स देके, सही हेयर स्टाइल रख के और आपके फेस के अकॉर्डिंग सही शेप के ग्लासेस पहन के आप सिमेट्री का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो। स्टैंड एट ईज। जब आप पैरेलल स्टैंड की पोजीशन में होते हो, जहां आपके दोनों पैर एक दूसरे के बहुत नजदीक, क्लोज और पैरेलल होते हैं, तो ये एक फॉर्मल पोजीशन होती है जो एक न्यूट्रल एटीट्यूड को दिखाता है। इस पोजीशन में हम तब खड़े होते हैं जब हमें रिस्पेक्ट शो करनी होती है। किसी टीचर या जज के सामने हमें इन पोजीशंस में खड़ा होना सिखाया जाता है, क्योंकि ये सबमिसिव नेचर को दिखाता है, जहां हम सामने वाले को खुद से ज्यादा पावरफुल और खुद को सबमिसिव शो कर रहे होते हैं। इवन सुपरमैन पोज में पैर खोल के खड़े रहना सिखाया जाता है, चिपका के नहीं। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, स्पेशली अगर आप एक मेल हो तो आपको हमेशा अपने पैरों को थोड़ा सा खोल के खड़ा होना चाहिए, जिससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, पावरफुल और अट्रैक्टिव लगो। स्टाइल योर हेयर वेल।
एक एवरेज लुकिंग पर्सन जिसने अपने बालों को अच्छे से सेट करा हुआ है वो उस पर्सन से हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा जिसके लुक्स तो बहुत अच्छे हैं पर हेयर स्टाइल बहुत खराब है। एक अच्छा और सही हेयर कट किसी भी पर्सन को अट्रैक्टिव बना देता है। आपको हमेशा अपने फेस की शेप के अकॉर्डिंग ही अपना हेयर कट कराना चाहिए। पर आपके बाल अभी चाहे कैसे भी हैं, लॉन्ग हेयर हो या शॉर्ट हेयर हो, अगर आप इन्हें अच्छे से मेंटेन नहीं करोगे, स्टाइल नहीं करोगे और इन्हें ठीक से बनाओगे नहीं तो महंगे से महंगा हेयर कट भी बुरा दिख सकता है। कई लोगों को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि आपका हेयर कट और हेयर स्टाइल आपका लुक बढ़ा भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। स्लो डाउन योर मूवमेंट। अगर आप किसी का नाम पुकार के उसे बुलाओ और वो एकदम से पलट के कहे, हाँ क्या हुआ, क्या बात है, तो ऐसे पर्सन को देख के आपको लगेगा कि ये किसी ग्रुप का लीडर तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करने में बहुत क्विक है। जो लोग बहुत जल्दी जल्दी बातें करते हैं, बात करते हुए ज्यादा हिलते हैं, बातों को सुनकर फटाफट जवाब देने लगते हैं और जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, ऐसा करना आपको अनअट्रैक्टिव दिखाता है। क्योंकि आप भी ऑब्जर्व करो तो मूवीज में जब किसी कैरेक्टर को कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव दिखाना होता है तो वो कैरेक्टर बहुत ही काम और स्लो होकर रिस्पॉन्ड करता है। अगर कोई उसे बुलाता है तो वो पीछे मुड़ के एक मिनट का पॉज लेके बिल्कुल आराम से रिस्पॉन्ड करता है, जैसे कि उस पे उसका पूरा कंट्रोल हो। ब्लड फ्लो। बिल्कुल जैसे किसी पौधे को बराबर अच्छे से पानी ना मिले तो वो मुरझा जाता है, वैसे ही अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट या एरिया में बराबर ब्लड ना पहुंचे तो, जैसे कि हमारे स्किन, मसल्स और फेस भी डल और मुरझाए से लगने लगते हैं। लेकिन अगर हमारे स्किन, मसल और फेस तक अगर अच्छे से ब्लड पहुंचेगा तो हमारा फेस ज्यादा हेल्दी और अट्रैक्टिव दिखेगा और नेचुरल ग्लो अपने आप आने लगेगा बिना किसी महंगी क्रीम या प्रोडक्ट के। क्योंकि अगर रोज हमारे स्किन के हिस्से में बराबर मात्रा में ब्लड पहुंचता है और हमारा पसीना निकलता है, इससे स्किन से डेड स्किन, पिगमेंटेशन और गंदगी बाहर निकलने लगती है, जिससे पिंपल होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और ये हो सकता है रोज हाई इंटेंसिटी वाले वर्कआउट से, जिससे आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहे और पसीना भी आता रहे। फॉलो अ गुड मिनिमलिस्ट स्किन केयर रूटीन। कई बार एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना कई लोगों को महंगा और टाइम कंज्यूमिंग भी लग सकता है, जो कि नेचुरल है। लेकिन स्किन केयर रूटीन को अधिकतर लड़कियां तो फॉलो कर ही लेती हैं, लेकिन अधिकतर मेल्स इसे नहीं फॉलो कर पाते हैं और कई बार उनके पास इतना टाइम और पैसा भी नहीं होता कि जो एक स्किन केयर रूटीन पे लगाया जाए। और हमारी मानो तो आपको स्किन केयर में इतना ज्यादा पैसा खर्च करना भी नहीं चाहिए और ना ही इसे इतना मुश्किल बनाना चाहिए, बल्कि आपको इसे बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए और एक मिनिमलिस्ट रूटीन फॉलो करना चाहिए, जिसमें सिंपल आपको डेली दिन में कम से कम 2 बार एक माइल्ड फेस क्लींजर से फेस को वॉश करना चाहिए। उठने के बाद और सोने से पहले जो बिल्कुल लाइट क्लींजर हो, मार्केट में मिलने वाले हार्ड फेस वॉश वगैरह की तरह नहीं, आपको फेस क्लींजर यूज करना है, फेस वॉश नहीं, जो आपके फेस को साफ रखेगा। और फिर उसके बाद कोई भी एक अच्छा क्वालिटी का बजट में आने वाला लाइट सा मॉइस्चराइजर, जो आपके फेस को मॉइस्चराइज रखेगा, डल या ड्राई नहीं। और अगर आप धूप और सन में निकलो तो सनस्क्रीन जरूर लगाना ही है, साथ ही हफ्ते में सिर्फ एक बार किसी भी तरह का फेस पैक जो आपके फेस से पॉल्यूशन और सन की यूवी रेज से होने वाले टैनिंग को निकाल सके। वेयर मिनिमलिस्टिक एक्सेसरीज। किसी भी बड़े स्टाइलिस्ट से पूछा जाए तो उनकी राय में वॉच, बैंड्स, रिंग्स, चेन, बेल्ट, स्पेक्स, सनग्लासेस, ये सभी एक्सेसरीज भी आपके लुक्स को और ज्यादा एनहांस और अट्रैक्टिव बना देती हैं। पर साथ ही याद रहे, एक्सेसरीज का ओवर यूज करना आपको अनअट्रैक्टिव भी बना सकता है। और आपको कोई भी रैंडम कलर्स की एक्सेसरीज नहीं यूज करनी, पिंक, रेड, येलो नहीं, चटकीले कलर्स नहीं, बल्कि ब्लैक, सिल्वर या ब्राउन जैसे कलर्स का यूज करना है। और साथ ही मेक श्योर कि वो सारे कलर्स कंसिस्टेंट रहें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ब्लू शर्ट और ग्रे पैंट्स पे ब्राउन शूज पहने हैं तो इसके साथ ब्राउन बेल्ट, ब्लैक वॉच, ब्राउन हैंड ब्रेसलेट और ब्लैक शेड्स ऐड कर दो तो ये आपके लुक्स को 10x बढ़ा देगा। आपको कोई फालतू की महंगी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंपल और लिमिटेड चीजें भी काम आ सकती हैं। फ्रेग्रेंस। आजकल फैशन में फ्रेग्रेंस और परफ्यूम को लोग भूल जाते हैं, पर फ्रेग्रेंस हमेशा से अट्रैक्टिवनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। यही रीजन है कि शाहरुख के साथ काम कर चुकी सभी एक्ट्रेसेस उनके परफ्यूम, फ्रेग्रेंस और स्मेल की बहुत तारीफ करती हैं। इवन सोशल इश्यूज रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक विमेन भी उन मैन को ज्यादा प्रेफर करती हैं जो बहुत अच्छा स्मेल करते हैं। ये उनके गुड हाइजीन और क्लीनलीनेस को दिखाता है। और अच्छा स्मेल करने के लिए आपको कोई महंगा परफ्यूम खरीदने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो आपको थोड़ी रिसर्च करके एक बजट में परफ्यूम और फ्रेग्रेंस को ढूंढने की। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।